जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पर्ल हार्बर सेकेंड वर्ल्ड वार की वह दृश्य दिखाया गया जिसमें अमेरिका जापान में बम गिराने का वह सीन दिखाया गया था। वह देशभक्ति का पिक्चर पूरे वर्ल्ड में जितने भी सैनिक है, जितने भी जनता है, सब उस पिक्चर को देखना 10 बार चाहते हैं, चाहे आप देख भी लिए। अगर हम भारत की बात करते हैं तो 3-4 पिक्चर है जो देशभक्ति के ऊपर बनी है। टैंगो चैली बहुत अच्छा पिक्चर है जिसमें आतंकवादी के ऊपर ऑपरेशन करते हुए मिलिट्री का दिखाया गया। बॉर्डर पिक्चर जिसका कहना आप मान नहीं सकते, उसका हर सीन अच्छा है। और सबसे यूनिक पिक्चर थी जो इंडियन आर्मी के ऊपर बनी थी, वह प्रहार जो नाना पाटेकर ने दिखाया कि भारतीय सेना कितना अनुशासन होती है। और उस समय कमांडो ऑपरेशन का वह सीन दिखाया गया था जो आज भी मिलिट्री ऑपरेशन में हर देश की सेना उसको सीखती है और सिखाती है और उस सीन को जरूर क्रिएट करती है। बॉर्डर पिक्चर का वह सीन जो इंडियन और पाकिस्तान का युद्ध लोंगोवाला के, वह युद्ध जैसे लगता है कि पिक्चर रियल है और युद्ध क्या कहना। वह एक्टिंग सुनील शेट्टी का, चाहे सन्नी देवाल का, वह लाजवाब। वह इतिहास अब बनेगा कि नहीं बनेगा इसका गारंटी नहीं है। और वह पिक्चर को देख के हर देशभक्त, हर युवा यह सोचता है कि मुझे भी अगर मौका मिले तो मैं सेना में जाऊंगा, मुझे भी मौका मिले तो मैं देशभक्ति में वह काम करूंगा। एक कोशिश किया जा रहा है। वह पिक्चर का नाम है कसम तिरंगे के। निर्देशक है रवि भूषण, भोजपुरी लैंग्वेज में बन रहा है पिक्चर। लेखक भी है रवि किशन, लेखक है रवि भूषण जी, और लीड रोल उसमें है रवि किशन जी का, भोजपुरी के वह डायनेमिक हीरो जो जिन्हें बिहार का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। और वह लौह नगरी जिसमें लोहा तो बनता ही है, और ऐसा एक्टर बनता है जो बॉम्बे में जाकर अपना झंडा गाड़ के आता है, वह भी इस पिक्चर में है। जो हमारे साथ जो सज्जन है वह गुरु शरण सिंह जी हैं जो इसमें सेकेंड लीड में है। आर्मी में जब आप जाते हैं तो फर्स्ट आपका जो इंटरव्यू होता है वह देखा जाता है कि फिजिकल कैसे है, क्या लड़के लड़ सकते हैं। सेम चीज़ भी यह एक्टिंग में भी देखा जाता है कि हम जिसको रोल दे रहे हैं क्या उसमें देशभक्ति की भावना है, क्या वो लड़ सकते हैं, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि टफ एक्टिंग है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि वह हर रोल करना पड़ता जो इंडियन आर्मी करती है। इसी विषय में बात करते हैं कि यह पिक्चर की शूटिंग कब हुई, कहां पर हुई, कब रिलीज होगा, और इसमें आपको करने में क्या क्या कठिनाई और क्या क्या अच्छा लगता है, उस विषय में आप बताइए हमारे दर्शक को और पूरे डिजिटल वर्ल्ड में। नमस्कार। कसम तिरंगे के फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जो रवि भूषण साहब हैं, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने में बहुत ही एक अच्छा, जो उनका अनुभव एक्सपीरियंस है वो इस फिल्म में उन्होंने दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में रवि किशन जी जो लीड में हैं, और वे तो दिग्गज कलाकार हैं और मोहताज नहीं हैं कोई उनकी पहचान के, पूरा देश उनको जानता है। इस फिल्म में और भी भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, तो इनके साथ एक काम करने का जो मुझे अनुभव हुआ है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है,
और काफ़ी खुशी हुई है जब मुझे पता चला कि यह फिल्म में मैं काम करने जा रहा हूँ। फिल्म को साइन किया और इतने बड़े कलाकारों के साथ में काफ़ी दिन शूट्स में रहता था। झारखंड में रांची में इस फिल्म का निर्माण हुआ है, गुजरात में हुआ है, तो इन लोकेशंस में मैं रहता था। और जो कठिनाइयाँ, सबसे बड़ी कठिनाई इस फिल्म में आई है कि फिल्म 2019 में रिलीज़ होनी थी, कोरोना काल के चलते, कोविड का समय जब आया, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। आज 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 25 नवंबर को, और ये बिहार, झारखंड, मुंबई, पंजाब, यूपी इनमें रिलीज़ हो रही है, और जमशेदपुर में ये जनवरी माह में 2023 में रिपब्लिक डे में थिएटर्स मिलते रहेंगे, वो फिल्मों के शोज कराते रहेंगे। जमशेदपुर के दर्शक को इतना अच्छा फिल्म क्यों नहीं दिखाया जाए? ये दिखाया जाएगा, लेकिन लेट क्यों? लेट ऐसा है कि रिपब्लिक डे के आसपास एक गणतंत्र दिवस का समय है, उस समय फिल्म यहाँ पर लगनी एक गौरव वाली भी बात होगी, एक खुशी का माहौल रहता है, जनून एक रहेगा कि ये फिल्म रिपब्लिक डे के आसपास देशभक्ति की फिल्म है और फौजियों का इसमें एक बलिदान और जुनून दिखाया गया है, तो उस समय एक अलग रंगत में हमारे जमशेदपुर वासी रहेंगे। और मैं जमशेदपुर का बिलोंग करता हूँ, इस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी खुशी होगी कि रिपब्लिक डे के आसपास हम तिरंगा लेकर इस फिल्म को देखने जाएं और प्रमोशन भी उस समय जमशेदपुर में किया जाए, जमशेदपुर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो। 4 पिक्चर जो देश भर में देशभक्ति ऊपर बनी है, एक तो इंटरनेशनल पिक्चर है पर्ल हार्बर, टैंगो चैली, बॉर्डर, प्रहार, तो आप 4 पिक्चर शायद देखे होंगे? नहीं, मैंने 4 पिक्चर नहीं देखे, कोई बात नहीं, मैंने देखी है, बहुत दिल के करीब है जी। तो आप प्रहार पिक्चर देखे हैं, तो एक्टिंग भी आप देखे होंगे, उसमें किस प्रकार एक्टिंग किया है, तो ओसा सीन आपके पिक्चर में भी कहीं है, तो उसके बारे में बताइए। इस फिल्म में काफी क्लाइमेक्स सीन है और पूरी फिल्म ही भरपूर एक्शन की फिल्म है, बहुत अच्छे देशभक्ति गाने भी हैं, और जब हम दुश्मनों से लड़ते हैं तो वो सीन एक छाप और पहचान छोड़ेंगे। और जो रवि भूषण जी ने जो डायरेक्ट किया है इस फिल्म को, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरती के साथ किया है, जो मैं अपनी बातों से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये जब फिल्म देखेंगे तो मैं आई एम श्योर कि ऑडियंस ताली जरूर बजाएगी और इसके कलाकार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जरूर अप्रिशिएट करेगी। पिक्चर था एक इसका गंगाजल, उसमें बिहार शब्द बहुत अच्छा है, डियर फादर, डायलेक्ट, ये सब चीज इसमें है कि नहीं? इसमें डायलेक्ट पिक्चर में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ, डायलॉग्स तो बहुत अच्छे हैं, देशभक्ति के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। जब टेररिस्ट पर अटैक होता है या हम लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, उस समय इस तरह के बहुत सुंदर डायलॉग्स इस फिल्म में भी है। हीरोइन कौन कौन है इस फिल्म में? पूनम दुबे जी हैं, चांदनी चोपड़ा है, करिश्मा मित्तल जी हैं। इसमें गाना है कि नहीं? हाँ, बहुत बहुत सुंदर अच्छे गाने हैं, देशभक्ति के भी 2 गाने, इन गानों में भी मैं आपको अपना भंगड़ा और देशभक्ति के लिए जो हमारे सॉन्ग में एक्सप्रेशंस है वो मैं देता दिखूंगा। देखिए, एक तो एक्टर होता है कि जो डायरेक्टर लिखता है, लेखक लिखता है, वो कर दिया, लेकिन एक तो एक्टर वो होता है कि वो लिखने के बाद भी अपना दिमाग लगा के उसको अच्छा बना सकता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सिख एक एक लाख से लड़ा, तो कुछ ऐसा सीन होगा कि आप दिखाएं जो इम्प्रेशन हो जाए, ऐसा कुछ सीन है जो आप अपने दिमाग से किए हैं? मैंने एक जगह एक रिक्वेस्ट रखी थी डायरेक्टर साहब को, हमारे जब फिल्म का शूट चल रहा था, हम सब फौजी ड्रेस में थे, तो एक नदी बह रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं डायरेक्टर साहब को बोलूं कि एक नदी का सीन काइंडली डालिए उसमें, तो वे थोड़ा सोच में पड़ गए, और फिर इसके बाद मुझे पता चला कि वो गहराई नदी की नापी जा रही है, तो इतने मुझे पता चला कि हमारी बातें रख ली गई है,
तो डायरेक्टर साहब बहुत जो उनके ऑब्जर्वेशंस थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने वो सीन डाला और वो फिल्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन है जो हम नदी क्रॉस करते अपने गन वगैरह लेकर, वो मेरे दिल को बहुत वो सीन भी छूता है। और जबकि ये बातें मेरी डायरेक्टर साहब ने रखी और फिल्म में वो सीन दर्शाया, तो इसकी मुझे एक बहुत ही खुशी होती है, जिसके लिए मैं रवि भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। अब एक प्रॉब्लम आता है, रीजनल पिक्चर बन रहा है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, आप पंजाबी भोजपुरी, इसको कैसे करके आप सॉल्व आउट किए? ऐसा है ना कि मैंने बंगाली फिल्म में भी काम किया, भोजपुरी नागपुरी भाषा में भी काम किया है, और छोटे छोटे डायलॉग्स हमें मिलते हैं और वो हम स्क्रिप्ट याद करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट याद करके ऑन लोकेशन मिलते हैं या पहले भी मिल जाते हैं, इस तरह हम उसे याद करके और वहाँ पर अपने परफॉर्म करते हैं। कितने बजट की पिक्चर और कौन प्रोड्यूसर है इसमें? बजट तो मैं बड़े बजट की फिल्म है भोजपुरी की, इतनी बड़ी बजट की फिल्म जल्दी बनती नहीं है, मैं एक अमाउंट आपको नहीं बता पाऊँगा। बट इसके जो प्रोड्यूसर साहब है, बहुत दुखद बात है कि डॉक्टर यूपी सिंह जी, जिन्होंने ये फिल्म निर्माण करने में बहुत ही मेहनत की है और उनके दिल के बहुत करीब ये फिल्म थी, बट चंद महीने पहले उनका देहांत हो गया और इस बात का हमें बहुत दुख है कि यूपी सिंह जैसे प्रोड्यूसर हमारे बीच नहीं है, जो कलाकारों को एक बहुत अच्छा मंच देते थे और उनका जो कलाकारों के प्रति रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट था वो भी बहुत अच्छा था। हम किसी भी माध्यम से, मैं इस फिल्म का एक कलाकार हूँ, मैं प्रोड्यूसर साहब दुनिया में नहीं है, पर मैं इस फिल्म के माध्यम से डॉक्टर यूपी सिंह जी को अपने दिल में हमेशा एक अलग स्थान देकर रखूँगा और उनका मैं धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने मुझे ये फिल्म के में एक रोल मिला है, यूपी सिंह जी की फिल्म है, और परमात्मा से विनती करूँगा कि उनकी आत्मा को सदा शांति मिले। भोजपुरी फिल्म और हिंदी फिल्म और सबसे अधिक कंपटीशन चल रहा है आपको साउथ का जो पिक्चर है, वो अभी इंटरनेशनल वो स्थान बना लिया है कि पता नहीं चलता कि साउथ जो पिक्चर बनती है इंटरनेशनल मॉडल में आ चुके हैं, सब उसके व्यूअर है, देखना चाहते हैं, और एक भोजपुरी और कितना कंपटीशन है, क्योंकि आपको भोजपुरी फिल्म के साथ साथ जो देशभक्ति फिल्म है उसके साथ भी कंपटीशन है, क्यों आपकी पिक्चर को देखे, ऐसा है उसमें कुछ है कि आदमी आए समय दे पैसा दे फिर आपको ये चीज कुछ पिक्चर में लग रहा है? देखिए, जो देश से प्रेम करते हैं ना, वो जहाँ पर हमारा तिरंगे का नाम आ जाता है, भारत माता का नाम आ जाता है, तो भारतवासियों के दिल में अपने भारत माता के लिए जो प्रेम है तो वो कभी कदम पीछे नहीं करेंगे, आगे बढ़कर इस फिल्म को देखेंगे। और फिल्म में जो कलाकार है, दिग्गज कलाकार है, रवि किशन जी इतनी बड़ी हस्ती है, और वो आपने पहले ही कहा कि हमारे भोजपुरी के अमिताभ बच्चन हैं, तो उनके नाम से भी लोग ज़रूर इस फिल्म को देखने जाएंगे। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है फिल्म में, जो फौजियों को देशभक्ति का एक जुनून और समर्पण दिखाया गया वो फिल्म में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे सीन है, अलग अलग सुंदर लोकेशंस में इसको शूट किया गया है, रांची में मैं शूटिंग में था, गुजरात में था, तो बहुत ही सुंदर लोकेशन में ये शूट किया गया है, जो कि हमारे झारखंड की जो नेचुरल ब्यूटी है इस फिल्म में देखने को मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जाकर देखें और अपने झारखंड की फिल्म है, झारखंड के लोग तो देखें, मेरे जमशेदपुर के भाई बहन इस फिल्म को जरूर देखें। क्या अनुरोध करना चाह रहे दर्शक से, कहां पर देखेंगे, किस किस प्लेटफॉर्म में पिक्चर आ रही है अभी फर्स्ट 25 तारीख? जो 25 तारीख को ये 5 मैंने बताया कि जैसे पंजाब, मुंबई, बिहार, झारखंड और आपका यूपी में रिलीज हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जाकर देखकर देखें, सब ऑनलाइन जो जो जहाँ जहाँ सिनेमा हॉल्स में लग रहा है पूरा आजकल। और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था, वो सवाल करना बहुत ज़रूरी है, पिक्चर ख़त्म हुआ, शूटिंग हुआ, क्योंकि पिक्चर जो शूटिंग होता है आप लोग मिलिट्री मैन के साथ ही कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो पिक्चर उन्होंने देखा है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन्होंने क्या आउटपुट दिया जो शूटिंग के बाद, उन्होंने बताया होगा ना कि हाँ भाई रवि किशन जी आपके लिए एक्टिंग बहुत अच्छा है, आपको बारे में बताया होगा, नहीं नहीं एक्टिंग है, तो ऐसे कुछ फीडबैक आया है? रवि किशन साहब बहुत अप्रिशिएट करते थे, हम जो कलाकार उस यूनिट में थे और उनको फॉलो करते थे,
रवि किशन साहब जब भी शूट लोकेशन में आते थे, हमें एक एनर्जी, जब शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग जब क्लोजअप हो गया, पैकअप हो गया, तो बहुत सा दर्शक भी रहते हैं, लोग भी रहते हैं, तो वह शूटिंग देख के या कोई सीन देख के आपको उन्होंने कहा कि ये ला सीन बहुत अच्छा है, पिक्चर में हम देखेंगे जरूर? हाँ, नेचुरली जब हम अच्छा परफॉर्म करते थे, यूनिफॉर्म में तो हम लोग थे, तो जो फौजी का यूनिफॉर्म था, लोग तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक अभिनय कर रहा है और वो रियल में फौजी लग रहा है, तो इस तरह से वो लोग ना के जरूर अप्रिशिएट करते थे। आम पब्लिक सेल्फी भी लेती थी और इस तरह से कुछ वहाँ पर जो पुलिस कंट्रोलिंग वाले भी होते थे उनको भी बहुत खुशी होती थी और वो भी आकर बोलते थे कि आप रियल में फौजी लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ख़ास हो जाती है और एक खुशी भी हमें लगती है जब हम वो करेक्टर में हैं और कोई अप्रिशिएट करे, तो इसका एक अलग एक खुशी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर बिहार से है, पटना से है और उनका नाम है प्रवीण सिन्हा जी। प्रशूल मैजिक मोमेंट से वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिए हैं, उनके अंडर बैनर का नाम प्रशूल मैजिक मोमेंट है। देशभक्ति की पिक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देश के लिए, देश के लोगों के लिए, सेना किस प्रकार काम करती है देश के लिए, और वह भी एक्टिंग ही दिखाया जाता है, लेकिन आपको लगेगा कि रियल फाइट हो रहा है, रियल ऑपरेशन हो रहा, इसीलिए देशभक्ति के पिक्चर देखा जाता है। दूसरी बात क्या है कि बिजनेस दृष्टिकोण से भी देशभक्ति के पिक्चर को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह पिक्चर आदमी देशभक्ति के कारण ज़रूर देखेगी तो उनको प्रॉफिट होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरी चीज़ की एक्टर इसलिए काम करते हैं कि कुछ एक्टिंग, कुछ ऐसा रोल अगर सक्सेस हो गया, हमको ब्रेक मिल गया, तो मेरा भी नाम उस वीर शहीद के नाम के साथ ज़रूर गिना जाएगा, ज़रूर देखा जाएगा कि मैं भी सेना में कुछ समय के लिए रोल ही सही, लेकिन मैं देशभक्ति का काम जरूर किया। पिक्चर को आप ज़रूर देखिए, कल रिलीज हो रहा है। इस पिक्चर का आप क्या अच्छा लगा, कैसे लगा, आप चैनल में कमेंट अवश्य कीजिए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।